छुट्टी पर मुंगेर आए पटना डीआईजी के यहां तैनात बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बीएसपी के जवान अशोक कुमार उर्फ सनोज कुमार की अपराधियों ने लाठी डंडे से पीट पीट कर हत्या देर शाम उस समय कर दी जब वह अपने घर में थे। हत्या का कारण पूर्व में भतीजी के द्वारा प्रेम विवाह कर लेना बताया जा रहा है। मौके पर पुलिस शव को अपने कब्जे में ले मामले की जाँच में जुट गई। मुंगेर जिला अंतर्गत ईस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्र का बड़ी आशिकपुर निवासी बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बीएएसपी के जवान अशोक कुमार उर्फ सनोज कुमार की हत्या 10 से 15 की संख्या में आए अपराधियों ने देर शाम एकाएक घर में घुस लाठी डंडे से पीट पीट कर बुरी तरह घायल कर दिया जब वह अपने घर में बैठे हुए थे और इलाज के लिए ले जाने के क्रम में उस जवान की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार हमलावरों ने घर में घुसते ही लाठी डंडे से जवान पर हमला बोल दिया जिस कारण जवान को संभलने का मौका भी नहीं मिला और लाठी डंडे के प्रहार से वही जमीन पर एक हो गिर पड़ा। जब परिवार वालों के द्वारा हल्ला गड़ल किया गया तो और हल्ला सुनाए पड़ोस के लोग जमा होने लगे तो अपराधी वह से भाग खड़ा हुए। हत्या की सूचना पा मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा शव को अपने कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही हत्या को ले पूर्व का रंजिश बताया जा रहा है। मृतक के भतीजा ने बताया कि मृतक जवान दो भाई है और मृतक अशोक कुमार पटना जिला अंतर्गत फतुहा बीएसपी 5 में पदस्थापित है और तत्काल डीआईजी पटना के यहां तैनात है और छठ पूजा को ले छुट्टी पर घर आया था। घटना को ले बताया कि एक साल पूर्व ही बड़े भैया मनोज की बेटे के द्वारा रामनगर थाना क्षेत्र के लड़के के साथ भाग शादी कर ली थी पर उस समय लड़की को इन लोगों ने बरामद देख लिया था। तब से ही लड़के के परिवार वालों के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है। इससे पूर्व भी लड़के वालों के परिवार के द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा चुका है और शनिवार की देर शाम भी वे सभी 10 से 15 की संख्या में आए अपराधियों के द्वारा उनके पुलिस जवान का चाचा को बुरी तरह पीट दिया जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस के बताए कि घटना के बाद अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। कौन है ये और क्या बात हुई इनके साथ? अशोक कुमार है, बीएमपी 5 में है पटना में। हां, और मामला यही है कि आया रामनगर से 10-15 लड़का और आके डायरेक्ट हमला कर दिया। हमला करने पर लाठी से हुड़ दिया, बस गिर गए। गिरे बस डायरेक्ट मौत हो गई। अच्छा, तो कहाँ वहीं पर मौत हुई या इलाज के क्रम में मौत नहीं, हुई? घर पे ही हो गया। अच्छा, इलाज के कारण ले गए डॉक्टर के पास तो बोला कि डेड कर गया। अच्छा, घर पे ही मौत हुआ। क्या पुरानी रंजिश है कोई? क्या मामला क्या है? पुरानी रंजिश के कारण। कितने दिनों से चला आ रहा है मामला? साल भर से चल रहा था। अच्छा, तो ये कहाँ पदस्थापित थे? पटना में? पटना में थे डीआईजी साहब के पास। अच्छा अच्छा, तो ये कब आए यहाँ? छठ पूजा में आए थे। तो जिस टाइम में घटना हुई तो क्या कर रहे थे? ये अंदर थे, बैठे हुए थे, हम लोग बात दुकान चला रहे थे अपना। जी जी, आए और गाली गलम उधर से वो लोग करने लगा रामनगर वाला। गाली गलम किया तो हम लोग बाहर निकले। बाहर निकले तो बस लाठी था उसके पास, आके डायरेक्ट मार दिया। कितने लोग थे? 10-15 लोग थे। अच्छा, क्या पूर्व में भी कोई विवाद हुआ था इसको लेकर? नहीं, भी कोई विवाद हुआ था? हुआ था पहले भी। कितना दिन पहले हुआ था? एक साल पहले। क्या हुआ था उस समय? उस समय हुआ था, गाली गलम किया था उधर से। हाँ, एक बार आया था वो लोग रामनगर से मारने के लिए। हाँ, एक बार फिर पहले भी मार हो चुका था। हाँ, आज दोबारा हुआ। हाँ, आज दोबारा होने के कारण फिर पे ही डेट कर गए। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम अभिषेक है। कौन है मृतक? भतीजा है। उनके भतीजा हो मृतक के? हाँ।